देखिए मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी माता रानी के दर्शन, और इस प्रतिमा को देखने के लिए पहली बार लाखों श्रद्धालु लोगों की भीड़, और आप लोग टोपी लगा के भी अंदर नहीं जा सकते, ना ही मुंह में कपड़ा बांधते। ये देखो, ये भाई हीरो बन के आया था, इसकी टोपी उतरवा ली। देख लो भाई, लोग ऐसा माहौल बनाते हैं जबलपुर वाले। दोस्तों शुरुआत करते हैं, यहाँ चल रहा है भंडारा, और ये है जबलपुर का फोर्थ ब्रिज। और यहाँ पे जो भंडारा चल रहा है, यहाँ पे भीड़ देख सकते हैं आप लोग। और दोस्तों यहाँ पे जो भीड़ देख रहे हैं ना आप, ये तो कुछ भी नहीं है। आगे मैं आप लोगों को सबसे बड़ी मध्य प्रदेश की माता जी जो विराजमान है, वहाँ भी लेके जाने वाला हूँ। वीडियो में बने रहिएगा। और इस बार दोस्तों रिकॉर्ड तोड़ पब्लिक आई है जबलपुर शहर में घूमने के लिए। तो ये है जबलपुर का फोर्थ ब्रिज। चहल पहल तो काफी है, और यहाँ पे विराजमान है फोर्थ ब्रिज की माता रानी, देख सकते हैं आप लोग। और यहाँ की जो सजावट है ना, बहुत ही शानदार की गई है। यहाँ ही नहीं दोस्तों, इस साल जबलपुर में आपको हर जगह अलग ही नज़ारा देखने को मिलेगा। वाह गाइस, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा, बहुत ही अलग किस्म की सजावट की गई है यहाँ पे, देख सकते हैं आप लोग। और यहाँ श्रद्धालुओं का आना जाना अभी सिर्फ चालू ही हुआ है। दोस्तों आगे आप लोगों को इस वीडियो में बहुत ही शानदार नज़ारे देखने को मिलेंगे। दोस्तों फोर्थ ब्रिज से आ गए हम लोग गोरखपुर मार्केट साइड, और यहाँ पे भी विराजमान है माता जी। चलते हैं, आप लोगों को दर्शन कराते हैं। दोस्तों ये फोर्थ ब्रिज से गोरखपुर जाने वाला रास्ता है, और यहाँ पे भीड़ देख के आप लोग समझ सकते हैं कि क्या नज़ारा हो सकता है यहाँ का। यहाँ पे जो भीड़ देख रहे हैं ना आप लोग, ऐसे ही नहीं है, बहुत ही शानदार झांकी रखी गई है यहाँ पे, और दोस्तों बिल्कुल अलग ही अंदाज में। और यहाँ पे भी ना बहुत ही ज़्यादा भीड़ है दोस्तों। वाह दोस्तों, क्या शानदार नज़ारा है दोस्तों, देख सकते हैं आप लोग। कबूतर उड़ भी रहे हो गाइस, असली के कबूतर बैठे भी हैं नीचे, आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा, अभी पास से दिखाता हूँ। नीचे कबूतर भी बैठे हैं। सबसे शानदार ये जो सहेलियाँ घूम रही है ना, हाथ में हाथ डाल के दोनों, बहुत ही शानदार नज़ारा लग रहा है यहाँ का। अब मैं बता रहा हूँ दोस्तों आप लोगों को, जबलपुर की काफ़ी पब्लिक यहाँ का नज़ारा मिस कर चुकी होगी। तो जबलपुर के शानदार पंडालों में से एक ये वाला कॉन्सेप्ट एक नंबर का लगा मुझे। दोस्तों अभी तो ये शुरुआत है, अभी चलते हैं आगे, और आगे का कार्यक्रम देखते हैं क्या चल रहा है। तो दोस्तों इस पंडाल के दर्शन तो हो गए, अब चलते हैं सीधे गोरखपुर की तरफ, जहाँ पे तहलका मचा हुआ है। तो ये सब आप लोग देख रहे हैं ना, जो गोरखपुर का चौराहा है जहाँ पे हम अभी खड़े हैं, और यहाँ का माहौल देख सकते हैं आप लोग गाइस, एक नंबर का है बिल्कुल। और ये जो सीधी सड़क देख रहे हैं आप, ये सीधे जाती है छोटी लाइन फाटक, जहाँ पे गाड़ी जाना एंट्री बंद कर दी गई है, अभी पुलिस वाले बैठे हैं, देख सकते हैं आप लोग। वाह यार दोस्तों, कितना खूबसूरत नज़ारा है, कभी देखा आप लोग ने इतना खूबसूरत नज़ारा, सुपर से ऊपर। तो दोस्तों ये जो सामने सड़क देख रहे हैं ना आप, ये सीधे जाती है कटंगा, और इसी रोड में लेफ्ट साइड में बना हुआ है ये शानदार पंडाल। तो चलते हैं दोस्तों साथ में अंदर, और देखते हैं क्या माहौल है अंदर का। बाहर का तो एक नंबर का माहौल है, अंदर का देखना बाकी है। चलिए दोस्तों एंट्री तो हो गई हमारी पंडाल की अंदर, और यहाँ का नज़ारा देख लो, बहुत ही खूबसूरत सजावट, पूरा नज़ारा ही अलग है। और यहाँ पे भीड़ की बात करूँ ना गाइस मैं, तो देख सकते हो पैर रखने की जगह नहीं है बिल्कुल, समझ रहे हैं आप लोग। जितनी हमारे पीछे भीड़ चल रही ना, उतनी आगे भी है। तो दोस्तों इस पंडाल के भी दर्शन कर लीजिए आप लोग, ये देख सकते हैं खूबसूरत सा नज़ारा, बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है यहाँ का भी, और सजावट बहुत अच्छी है। भाई भाई मोबाइल नीचे कर ले यार, वैसे ही तेरा वीडियो अच्छा नहीं आ रहा है। दोस्तों मुझे यहाँ पेंटिंग सी लग रही है, ऐसा लग रहा है पेंट करके बनाया गया है, लेकिन जो भी हो बहुत ही शानदार नज़ारा है यहाँ का। और भीड़ भाड़ तो आप लोग देख ही सकते हैं, इतनी ढेर सारी पब्लिक, पहली बार जबलपुर में शायद इतनी रोड में पब्लिक निकली होगी। तभी आ गए हैं बाहर के रास्ते, अब यहाँ से चलते हैं बाहर। और दोस्तों पंडाल के बाहर देख लो आप लोग, धूम धाम मची हुई है पूरी। और भाई ये सामने वाला भाई सेल्फी ले रहा है या सेल्फी दिखा रहा है, समझ में नहीं आ रहा। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो भाई ऑटो वाले मत बहस कर यार, पुलिस वालों से आगे तू चला भी जाएगा तो इतना जाम लगा है कि पहुंच ही नहीं पाएगा, तू फंस जाएगा एक दो घंटे तक। हाँ चल जा वापस, जल्दी जल्दी वापस। तो भाई तो कुछ ऐसा नज़ारा था गोरखपुर का पंडाल का, आप लोग देख सकते हैं। तो भाई लोग थोड़ा दूर से दिखा रहा हूँ गोरखपुर चौराहे का नज़ारा, देख लो आप लोग कैसा है। और इसी लाइन में जो छोटी लाइन के लिए रास्ता जाता है ना, यहाँ पे चल रहा है भंडारा, इसलिए यहाँ भी भीड़ है। दोस्तों अब चलते हैं छोटी लाइन फाटक होते हुए, महानद्दा होते हुए, फ्लाईओवर के ऊपर घुमाते हुए, सबसे बड़ी माता रानी के दर्शन कराने आप लोगों को। बने रहिएगा, कहीं भी जाइएगा नहीं। दोस्तों ये जो चौराहा देख रहे हैं ना आप, जबलपुर का सबसे बड़ा चौराहों में से एक है छोटी लाइन का चौराहा, और यहाँ का माहौल देख लो आप लोग, एक नंबर का बिल्कुल। तो अब आ गए हैं महानद्दा, और ये पब्लिक देखो यहाँ पे। दोस्तों ये पब्लिक आ कहाँ से रही है ये तो समझ में नहीं आ रहा, लेकिन जा रही है छोटी लाइन फाटक साइड। तो ये सारे के सारे भक्त लोग देखो कितनी मेहनत करके माता रानी के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। और दोस्तों अब यहाँ का माहौल देख लो आप लोग, फ्लाईओवर के जस्ट नीचे खड़ा हूँ मैं, और दोस्तों फ्लाईओवर के ऊपर पब्लिक तो देखो कितनी ज्यादा नजर आ रही है। तो चलिए फटाफट चलते हैं हम लोग भी फ्लाईओवर के ऊपर। तो फ्लाईओवर के ऊपर कोई माता रानी विराजमान तो है नहीं, लेकिन यहाँ का नजारा देख सकते हैं आप लोग, काफी लोग एंजॉय करने आए हैं ऊपर फ्लाईओवर के। यहाँ रुक के सेल्फी ले रहे हैं, फोटो खिंचा रहे हैं, रील बना रहे हैं, बहुत ही गजब का नज़ारा है। दोस्तों फ्लाईओवर के नीचे देखो जरा, पूरा खाली पड़ा है, देख सकते हैं आप लोग, पूरा का पूरा फ्लाईओवर खाली पड़ा। अभी नीचे चलते हैं मदन महल साइड,
फ्लाईओवर के नीचे और देखते हैं नीचे कैसा माहौल है। ऊपर का तो भाई एक नंबर का नजारा है। अभी तो गाइस शुरुआत हुई, अभी और भी भीड़ लगने वाली है यहाँ फ्लाईओवर के ऊपर। दोस्तों नीचे देखो पूरा का पूरा खाली पड़ा है चौराहा। तो चलिए दोस्तों चलते हैं नीचे और बढ़ते हैं आगे। दोस्तों एक बार मदन महल का चौराहा देख लो, नीचे से पूरा का पूरा खाली पड़ा है। देख सकते हैं आप लोग फ्लाईओवर बनने की कितनी खुशी है सभी लोगों में। चलो भाई लोग आप लोग ऊपर एंजॉय करो, हम तो जा रहे हैं आगे। तो दोस्तों ये है मदन महल स्टेशन रोड और यहाँ पे विराजमान है काली माता जी और यहाँ भी काफ़ी ज़्यादा चहल पहल है और यहाँ भी शानदार सजावट की गई है। जय हो काली मैया जी। और इसी रोड में फ्लाईओवर का काम चल रहा है, तो कूद कूद के जाना पड़ रहा है उस पार प्रसाद लेने। भंडारा भी चल रहा है उस साइड। लो दोस्तों यहाँ का केबल स्टेट ब्रिज भी देख लो कितना बन चुका है। इसी बहाने ब्रिज भी देख लो आप लोग, और ये ब्रिज यहाँ से जुड़ जाएगा, ये जो ऊपर पिल्लर दिख रहा है। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो भाई लोग मैं जा रहा हूँ जबलपुर के सबसे छोटे अंडर ब्रिज से होते हुए मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी दुर्गा माता के दर्शन कराने के लिए। भाई लोग लाइट आइट लगी नहीं तो ब्रिज के नीचे बहुत अंधेरा रहता है। अरे सॉरी गाइस, मेरी गाड़ी की खुद लाइट जल रही है। तो ये है सबसे छोटा अंडर ब्रिज, यहाँ से पार होके सीधे चलेंगे मदन महल स्टेशन के 4 नंबर गेट के साइड, मदन महल थाना साइड। और यहाँ जितनी भी जनता दिख रही है ना, ये माता रानी के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं जो कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी है। दोस्तों ये जबलपुर का मदन महल थाना है जो वो वाला चौराहे में खड़े हैं और यहाँ पे भी बहुत शानदार प्रतिमा स्थापित की गई है, देख सकते हैं आप लोग। और ये सामने चल रहा है फ्लाईओवर का काम, मेरा कैमरा बार बार फ्लाईओवर की तरफ घूम रहा है। और इस साइड चल रहा है केबल स्टेट ब्रिज का काम, देख सकते हैं आप लोग कितना बना है। और यहीं पे विराजमान है माता रानी जो कि बहुत ही प्यारा सजाया गया है, देख सकते हैं आप लोग। स्टेज बहुत ही शानदार लगाया गया है और तो और जगह कम होने के कारण फिर भी इतना अच्छा कॉन्सेप्ट है इनका, बहुत ही शानदार। और इस रोड में इतनी भीड़ है ना गाइस, क्योंकि इसी रोड में बैठी है मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी महारानी। और दोस्तों यहाँ से देख सकते हैं आप लोग रास्ता ही बंद कर दिया गया है, लेकिन मुझे तो जुगाड़ बनाना पड़ेगा, हम तो ठहरे जबलपुर वाले, कहीं ना कहीं से मैं जुगाड़ बना लूँगा गाइस। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं कहाँ से मिलता है रास्ता। इसी साइड जाना हमें सीधे यहाँ से, और यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा भीड़ है दोस्तों, देख सकते हैं आप लोग। तो चलिए दोस्तों चलते हैं आगे। तो दोस्तों यहाँ से मैं आया हूँ सीधे, अभी देख सकते हैं भीड़ नहीं है क्योंकि रास्ता ही बंद है। और यहाँ से आप लोग देख सकते हैं लेफ्ट साइड में विराजमान है मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी माता रानी, यहीं से हम चलने वाले हैं अंदर दर्शन कराने आपको। तो चलिए दोस्तों यहीं से चलते हैं सीधे अंदर। और ये लेफ्ट साइड में देख सकते हैं आप लोग, ये वाइट वाइट हमारी खड़ी है एक्टिवा। तो गाइस जय माता दी कमेंट में जरूर लिख देना आप लोग। तो हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी माता जी के दर्शन कराने आप लोगों को। और ये मैडम गाड़ी कहाँ से ले आई आपने अंदर, इतनी मुश्किल से तो हम लोग आए हैं, एक तो आप लोग तीन तीन लग के ले आए। पूरा का पूरा मेला जैसा माहौल है यहाँ का दोस्तों। जबलपुर के आसपास गाँव से काफ़ी पब्लिक आई होगी गाइस, क्योंकि जबलपुर की ये सबसे बड़ी माता रानी जो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी माता रानी है, इनकी रील काफ़ी वायरल हुई है। तो भाई लोग यहाँ काफ़ी दुकानें भी लगी हुई हैं। दोस्तों मैं जैसे जैसे आगे बढ़ रहा हूँ ना, भीड़ मुझे इतनी ज़्यादा दिखती जा रही है कि मैं बता नहीं सकता। ये सारे के सारे भक्त लोग दर्शन करके वापस आ रहे हैं, ये देख सकते हैं आप लोग। तो दोस्तों ये माँ दुर्गा उत्सव समिति गेट के सामने ही खड़े हैं, अंदर आप हल्की सी झलक देख सकते हैं माता रानी के। और तो और भीड़ भी देख सकते हैं आप लोग कितनी है बाबा, कोई पीछे से मुझे दबा रहा है, कोई आगे से दबा रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा किसी को, कोई पैर कचर रहा है। ये देखो ये दर्शन, आगे देखो गाइस, माता रानी के पैरों के नीचे भक्तों को देखो जरा आप लोग, इतने ढेर सारे भक्त हैं। और ये मेरे पीछे देखो, बाप रे, जैसे तैसे बड़ी मुश्किल से गाइस मैं तो अंदर घुस गया, काफ़ी लोग तो जा ही नहीं रहे थे, बाहर ही से दर्शन करके निकल जा रहे थे। तो ये देखो आप अंदर की भीड़। दोस्तों मैं आप लोगों को पूरा पास से दर्शन कराने वाला हूँ, पूरा अंदर भी घुमाने वाला हूँ, इतनी मेहनत करके जो आया हूँ। ये भीड़ देखो आप लोग, भीड़ खाली। ये देखो मैं उल्टा चल रहा हूँ गाइस, इस समय सही बताऊँ तो आप लोगों को उल्टा चलना पड़ रहा है मुझे। जय हो माई की। भाई ये बंदा कुछ भी खा रहा है ना, जो नीली पट्टी डाला है गले में, ये भाई साहब ने एक काम गलत करा, ये भाई की टोपी उतरवा दिया यार। बेचारा कितना अच्छा लग रहा था यार टोपी में, देखो उतरवा देगा उसकी टोपी, ये उतरवा दिया, फ्री में भाई का टकला दिखा दिया यार। भाई लोग ये देख लो, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी माता रानी के दर्शन कर लीजिए आप लोग। पहली बार इतिहास में गाइस मैंने इतनी भीड़ देखा हूँ माता रानी के दर्शन के लिए, जो भीड़ उमड़ी है ना, अल्टीमेट है बिल्कुल। दोस्तों सिक्योरिटी का इतना इंतजाम रखा गया है, यहाँ पे चारों तरफ कैमरे लगे हुए हैं। और दोस्तों ये देखिए आप लोग माता का विशाल रूप, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी माता रानी यहीं पे बनी है गाइस ये, और यहीं पे इनकी स्थापना भी हुई है और इनका विसर्जन भी इसी जगह होना है। और दोस्तों मुझे पता करना पड़ेगा विसर्जन कब है, उसका भी वीडियो आप लोगों के लिए जरूर बनाऊंगा मैं। भाई लोग सेल्फी का तो जमाना है, काफ़ी लोग देखा मैंने सेल्फी ही ले रहे हैं ज़्यादातर। दोस्तों ये अनाउंसमेंट सुन लो थोड़ा सा, अगर
तो भाई पहले वो भाई ने ना मैडम की आवाज़ सुन के बोला नहीं पहुंच रही आवाज़, लेकिन फिर बाद में बोला हाँ ठीक है पहुंच गई है, आप लोग को ये सब मिल जाएगा। लेकिन मुझे ऐसा लगा चिटिंगबाजी चल रही थी, इसलिए मैंने आप लोग को ये क्लिप सुनाया हूँ। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो हर काम को हंसते गाते मुस्कुराते चिटिंगबाजी करते हुए करो ना तो अच्छा लगता है। तो सबसे नंबर वन खूबसूरत नज़ारा गाइस ये देखिए आप लोगों के लिए, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय माता दी लिख दीजिएगा, ओके जय माता दी। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों लोग, हम लोग पंडाल से बाहर आ चुके हैं और अब जा रहे हैं बाहर की तरफ। और आप लोगों को एक चीज़ और बताना है, पहले जब मैं आया था इतनी भीड़ नहीं थी, लेकिन अब की भीड़ मैं आप लोगों को रोड में चल के दिखाता हूँ, बहुत ही ज़्यादा मतलब जाम लग गया। तो ये देखो गाइस, जब मैं आया था ना कितना खाली खाली था, मेरी तो गाड़ी भी नज़र नहीं आ रही थी कहाँ है। बड़ी मुश्किल से गाड़ी लिया मैंने, कम से कम 15 मिनट तक यहाँ पे फंसा रहा। और तो और गाइस पुलिस वाले तक जाम में फंस गए थे। शायद दोस्तों पहली बार ऐसा हुआ हो कि एक ही जगह पे इतना सारा जाम, पूरी की पूरी पब्लिक, लाखों लोग एक साथ पहुँचे हैं मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी माता रानी के दर्शन के लिए। देख सकते हैं आप लोग मेरे पीछे आगे पीछे सब जगह जाम ही जाम लगा हुआ है गाइस। चलिए भाई हम तो जैसे तैसे निकलते हैं दोस्तों। इसके बाद जाएंगे रसल चौक और वहाँ पे भी बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट बनाया गया है, मतलब लाइटिंग तो एक नंबर की हर साल ही होती, इस साल कुछ हटके है। तो चलिए चलते हैं वहाँ का और आप लोगों को वहाँ का भी नज़ारा दिखाते हैं। भाई मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी माता रानी के दर्शन करना है ना, दोनों साइड पुलिस लगी है, पैदल जाना पड़ेगा आप सभी लोगों को। दोस्तों आ चुके हैं रसल चौक, ये सजावट दिख रही ना आपको रसल चौक की है, जहाँ पे मैं आप लोगों को लेके जाना चाहता रहा। तो चलिए पास से दिखाता हूँ। और यहाँ पे भीड़ देख सकते हैं और लाइटिंग देख सकते हैं, बहुत ही शानदार। और यहाँ की जो माता रानी है ना इतनी खूबसूरत है, और यहाँ की जो लाइटिंग है ना गाइस एक नंबर की है। ये जो लाइटिंग देख रहे हैं ना आप, ये बदलती रहती है, देख लो कितना ही सुंदर रूप है। अभी ये ज्वाला देवी का रूप ली थी शायद मैंने उस दिन शूट करा था, लेकिन थोड़ी सी क्लिप होगी तो आप लोगों को जरूर दिखाऊंगा। तो ये सुंदर, ये सब चेंज होती रहती है गाइस इसकी लाइटें। तो चलिए दोस्तों वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक तो कर ही दीजिएगा। मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ बहुत ही जल्दी, जब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय, जय हिंद और जय हो माई की।